तो आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी की गणना कैसे होती है, यानी हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। उससे पहले पिछले हमारे जो दो वीडियो थे उसके अंदर हमने आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को कैसे आप पढ़ सकते हैं, उनके क्या क्या फिगर्स होते हैं, इसमें जीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए हमारे दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया जीडीपी क्या होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमने सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन दी है जीडीपी की, यानी आम मरा भाषा के अंदर अगर कोई डिस्कशन करेगा आपसे तो आपको पता हो कि जीडीपी का मतलब क्या है। किसी कंट्री की जीडीपी अगर वो बोल रहा है तो आप उसको समझ सकें। ये डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टिपिकली अ ईयर और अ क्वार्टर। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो देश की सीमाओं के भीतर किसी विशेष समय अवधि में आमतौर पर एक वर्ष या एक चौथाई के भीतर उत्पादित होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम, जो कि है जीडीपी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक बार हमारे इंडिया की जीडीपी अलग अलग सरकार के कार्यकाल के अंदर यानी अलग अलग गवर्नमेंट के पीरियड्स में किस हिसाब की रही है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये डेटा आरबीआई से लिया गया है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, एक तो ईयर ऑन ईयर चेंज यानी साल दर साल उसमें क्या चेंज हुआ है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ क्या रही है और एवरेज इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर क्या रहा है। इन्फ्लेशन के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं कांग्रेस के 1952 से 1957, यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन नेगेटिव था। नेगेटिव इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव भी अच्छा नहीं होता, एक नॉमिनल लेवल अच्छा होता है। और हमारी जीडीपी ग्रोथ 4% के आसपास थी। अब यहाँ से जीडीपी ग्रोथ बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट हो रही थी, 1971 में 2% 2.5% के आसपास आ गई थी। फिर इसने छलांग मारी 1980-84 में इंदिरा गांधी जी के पीरियड में, जहाँ पे ये 6% पहुँची, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर उसके बाद इसने फिर 6% पकड़ा, फिर 6%, फिर उसके बाद 8% जो कि यूपीए सरकार यानी बीजेपी ने जब टेक ओवर लिया था 2004-2009 में, बीजेपी नहीं सॉरी कांग्रेस में, तब ये 8% छू गई थी। फिर से ये गिर गई है 6% और अब 7% बोला जा रहा है, पर इसका आंकड़ा फिर से रिवाइज कर दिया। अब समझते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, जो इस तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। जीडीपी तीन तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि, इनकम मेथड यानी आय विधि और प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पाद विधि। इनका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। कंजम्पशन यानी हम कितनी किस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा जा रहा है, हम इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में कितना पैसा डाल रहे हैं और नेट एक्सपोर्ट्स में कितना पैसा डाल रहे हैं, इन सब के हिंदी रूपांतर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है सेवन, इन्वेस्टमेंट का निवेश, गवर्नमेंट सरकार की स्पेंड यानी सरकारी खर्चा, नेट एक्सपोर्ट्स यानी शुद्ध निर्यात। इनकम मेथड, इनकम मेथड के अंदर होता है कि वेजेस यानी वेतन प्लस रेंट रेट ऑन कैपिटल यानी आपने जो इनिशियल पैसा लगाया था उस पर आपको कितना रेंटल मिल रहा है, पूंजीगत व्यय पर किराए की दर और फर्म का प्रॉफिट यानी फर्म का मुनाफा। फिर आता है प्रोडक्शन मेथड, इसमें होता है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस उनको बनाने में जो कॉस्ट आई है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मूल्य और उनके बीच की मध्यवर्ती लागत। ये तीनों मेथड्स से जो फिगर आएगा यानी प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसको कहा जाता है जीडीपी पी, जीडीपी आई, जीडीपी ई, और इन तीनों का एवरेज लिया जाता है जिसे जीडीपी ए कहा जाता है, वो जो फिगर आएगा उसे जीडीपी माना जाता है। यानी किसी एक मेथड से कैलकुलेट नहीं करते जीडीपी का कोई भी मेथड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कोई भी मेथड इन तीनों में से इस्तेमाल करेंगे तो जीडीपी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेम। अगर वैल्यू दूसरी आती है यानी कुछ गड़बड़ है, सेम वैल्यू आनी चाहिए आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए
जब एवरेज लेंगे तो भी जीडीपी की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ये जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका था जो बहुत सीधी तरीके की भाषा में हमने आपको समझाया है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी की तारीख में यानी जनवरी टू मार्च 2019 ये कहा जा रहा है कि जीडीपी स्लो होकर 5.8% हो गई है। अब ये कैसे हो गई है इसकी एक एक्टिविटी देखते हैं। ये आपका जीडीपी मेथड है जो हमने आपको समझाया था। देखिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट जो वर्ड है वो आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यहाँ पे हम देखेंगे इस एग्जांपल में। सी यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन किसके चीज पे हुआ? गाड़ी पे किया, टू व्हीलर पे किया, ट्रैक्टर पे किया, घर बेचा, बैंक का लोन था, एफएमसीजी कंपनी, सिल्वर इंपोर्ट्स। तो इनका क्या रहा? इनका ये रहा 2018 में ये 18% था, ये -23.3 हो गया 19 में, 15.9 था ये -11.7 हो गया, 25.7 था ये 14.1 हो गया माइनस। इसी तरह सारे फिगर्स हैं। ये आपके प्राइवेट कंजम्पशन यानी सी है। इन्वेस्टमेंट आपने कमर्शियल व्हीकल सेल, बैंक लैंड किया, रेवेन्यू किया फिनिश स्टील के ऊपर, और ये सारी वैल्यूज़ हैं जो एग्जांपल के तौर में ली गई है, इसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इनके फिगर्स आप कंपैरिजन में, ये रियल फिगर्स है, इसका सोर्स है लियास फॉरेस हिंदुस्तान यूनिलीवर का। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी टैक्स रेवेन्यू जो कि 22.1% से बढ़ गया है, मतलब 22.1% का कंट्रीब्यूशन था अब 1.4% का है, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इसका भी फिगर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे इस मेथड में? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स। इस हिसाब से एडीबी ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी 2016 में 7.1% थी और 7.4% का फोरकास्ट था 2017 में, जिसको अपडेट किया गया 7% पे, और 2018 में 7.6% थी जिसे अपडेट करके 7.4% किया गया। अब जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी परसेंटेज पर ईयर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। अभी तक हमने देखा कि जीडीपी क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिया नीड्स न्यूज ऑन पाकिस्तान एंड नॉट ऑन जॉब, ट्रू और फॉल्स? भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और पाकिस्तान पर भारतीय समाचार की आवश्यकता है और जॉब पर नहीं, सही या गलत? आप सिंपल से कमेंट सेक्शन के अंदर यस या नो बता सकते हैं या ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं। और भी कोई टॉपिक के बारे में आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। थैंक यू, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगला वीडियो की तैयारी करने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।